हम सभी को ये पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बतौर हेड कोच समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस पर पहली बार राहुल द्रविड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ राहुल द्रविड़ ने कहा है, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का अभियान 5 तारीख से आयरलैंड के खिलाफ शुरू होगा। उसके बाद 9 तारीख को एक हाई वोल्टेज मुकाबला यानी इंडिया बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला आपको नसाऊ काउंटी में देखने को मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया के हेड कोच, अभी के हेड कोच राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। राहुल द्रविड़ के टेन्योर में आपको बताते हैं कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, वहां पे हमें इंग्लैंड के हाथों, इंग्लैंड के थ्रू 10 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में हम लोग आखिर तक पहुंचे थे, यानी हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे थे, फाइनलिस्ट थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमें हार का सामना करना पड़ा था, यानी ऑल इन ऑल राहुल द्रविड़ के पूरे टेन्योर में एक भी आईसीसी ट्रॉफी टीम इंडिया नहीं जीत पाई है। हालांकि एसीसी ट्रॉफी यानी एशिया कप 2023 का खिताब जरूर टीम इंडिया ने अपने नाम करा था। खैर, अब बात कर लेते हैं राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया था क्या आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे बतौर टीम इंडिया के हेड कोच, तो उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैंने जितना भी टाइम टीम इंडिया के साथ बिताया है, 3.5 साल जितना भी टाइम बिताया है टीम इंडिया के साथ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मैंने टीम इंडिया से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मैंने यंगस्टर्स से बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन अब मैं इसके आगे अपना जो कार्यकाल है उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ के पास एक ऑफर था, यानी जय शाह बीसीसीआई ने एक ऑफर दिया था कि अगर राहुल द्रविड़ दोबारा अप्लाई करते हैं बतौर हेड कोच के लिए तो फिर राहुल द्रविड़ को ही हेड कोच बनाया जाएगा, उनकी एप्लीकेशन को सबसे ऊपर कंसिडर करा जाएगा। लेकिन राहुल द्रविड़ ने अप्लाई ही नहीं करा, यानी राहुल द्रविड़ ने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने की सोची नहीं। वो चाहते हैं अब अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, इंडिया के साथ उतना ज़्यादा उनको मतलब उतना ज़्यादा वो आगे कार्यकाल अपना स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं। तो राहुल द्रविड़ ने पहली बार ये क्लियर कर दिया है कि अब वो हेड कोच नहीं रहेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद। तो द्रविड़ के पास एक अच्छा मौका है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया को जिताए, ताकि जाते जाते टीम इंडिया के लिए एक अच्छा काम कर जाए। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है आपको कि जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन जाएंगे राहुल द्रविड़ के बाद, क्योंकि सबसे ऊपर नाम उन्हीं का आ रहा है, तो क्या इस टीम की दशा बदल पाएंगे, क्या एक अलग अप्रोच के साथ टीम इंडिया को मैनेज कर पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए।